नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन शर्मा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एकदम अलग और यूनिक है। आज हम बनाने जा रहे हैं लकड़ी का ट्राइपोड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लकड़ी का ट्राइपोड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्राइपोड की सहायता से बिना किसी की मदद लिए फोटो क्लिप, वीडियो शूट आदि कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनाते हैं लकड़ी का ट्राइपोड। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा ट्राइपॉड बनकर तैयार हो गया है। आइए देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो ये है दोस्तों ट्राइपॉड। हमारे एक पहली बात, इसको हम अभी ये फुल खुला हुआ है और इसके बाद भी इसकी हाइट हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने ढीला किया, इससे इसमें मैंने नट लगा रखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर से ये पूरा, जैसे कि मैंने ये इतना बड़ा मैंने कर लिया।
इतना बड़ा मैं कर सकता हूँ इसको, और इस पर यहाँ पे टाइट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं। और ये दोस्तों लट्टू देख रहे हैं, ये मैं खराद मशीन पर जहाँ पे जो लकड़ी के पाए वगैरह खरीदते हैं वहाँ से मैं खरीदवा कर लेकर आया था, और ड्रिल मशीन से छेद करके इसमें मैंने ये नट बोल्ट को बैठाला हुआ है इसमें, और इसका बोल्ट इसके अंदर जाम किया है। देखिए किस तरीके से, वो देख रहे हैं आप अंदर किस तरीके से बोल्ट जाम है इसमें। ये लट्टू को हम कसते हैं इस तरीके से, देखिए इसमें कुछ चूड़ी आ रही है, अब वो आकर इस डंडे को कस लेती है, इस डंडे को इसमें कस लेती है, और इसी तरह से हमने इसको भी किया है। ये लट्टू इसमें भी नट लगा हुआ है, ये देखिए मैंने इसको खोल लिया, ये काफ़ी लंबा छेद है इसमें, देखिए ये भी इसमें भी नट लगा हुआ है, और इसके अंदर मैंने बोल्ट जाम किया है, बोल्ट इसके अंदर जाम किया, इसे ड्रिल मशीन से छेद किया था। और ये देखिए ये निशान हल्का दिख रहा है आपको दोस्तों, ये हल्का निशान दिख रहा है, ये मैंने इसको काटा था बराबर से एकदम सीधा, इसके अंदर नट बैठा दिया है, और इसके बाद इसमें मैंने स्क्रू कर दिया, ये छेद मैंने भर दिए हैं, इसमें स्क्रू है जैसे कि स्क्रू दिखाई ना दे इसलिए मैंने भर दिए हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें इसको फिर से कस देता हूँ कुछ इस तरह से, इसी प्रकार से ये भी लट्टू है, और इसमें देखिए इस तरफ नट निकला हुआ है इसका, ये इसको पकड़ कर रखता है, और ये है फ़ोन को जाम करने के लिए, ये स्प्रिंग है दोस्तों, और ये साइकिल की तीली है, साइकिल की तीली है, और ये लकड़ी का एक गुटका है इसके ऊपर लगा रखा है कि स्प्रिंग बाहर ना आए। तो ये देख लिया आपने कि किस तरीके से काम करता है, इसमें मैं फ़ोन को बैठालता हूँ, ये मैंने खांचा काट रखा है और इसमें भी कटा हुआ है जिससे कि फ़ोन आसानी से ये पकड़ लेता है और फ़ोन गिरता नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कैसे फ़ोन को हम लगाते हैं। ये दोस्तों स्टिक है जिससे कि पकड़ के आसानी से इसको मूव करते हैं इधर से उधर, और अप डाउन कर सकते हैं इसे। तो आइए देखते हैं कि कैसे मूव करते हैं। ये मेरा फ़ोन है, इसको मैंने इसमें फंसा दिया कुछ इस तरह से, ये इसमें जाम हो गया। अब इसको हम जिस दिशा में चाहें उस दिशा में ले जा सकते हैं, और इसको अप डाउन आसानी से कर सकते हैं, और इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये मैंने छोटा कर दिया, और इसको हम कस देंगे तो ये कैमरा हमारा हिलेगा नहीं और दाएं बाएं नहीं घूमेगा, सिर्फ अप डाउन कर सकते हैं इसको, ये इसको अब हम घुमाएंगे तो ये घूमेगा नहीं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें भी कस रखा है नट बोल्ट, जिसकी वजह से ये इसके लेग अप और डाउन कर होते हैं। तो आइए देखते हैं ये छोटा कैसे होता है। देखिए ये यहाँ पर भी पेंच लगा हुआ है, पेंच इस तरफ है, ये पेंच रहा, और इसमें ये कसा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं इसके लेग में कि किस तरीके से मैंने पत्ती लगा रखी है। ये देखिए बीच में, अब इसको हम यहाँ पे बैंड करेंगे, तो देखिए किस तरीके से बैंड हो रही है, बैंड हो गई। उसके बाद इसमें भी यहाँ पर मैंने पेंच कस रखा है, ये देखिए, और ये देखिए मैं बैंड कर रहा हूँ इसको, और ये पूरी की पूरी फंटी इसमें बैठ जाएगी, मतलब ट्राईपोड का ये लेग इसमें फिट हो जाएगा। ये देखने में कितना, देख रहे हैं आप कैसा लग रहा है, देखने में एक डिज़ाइन सा दिख रहा है, ऐसे ही ये सारे फोल्ड करेंगे हम, और इसको मैं दिखाऊंगा कि कितना छोटा हो जाएगा।
दोस्तों ये मेरा ट्राइपॉड छोटा हो गया है। अब इसे हम बैठकर बिना किसी की मदद लिए अच्छी फोटो क्लिप खींच सकते हैं, जैसे कि लोग हाथ से खींचते हैं तो धुंधला हो जाता है, क्लीनिंग नहीं आती उतनी, तो इससे बढ़िया क्लीनिंग आएगी और वीडियो भी आप जानते हैं कि वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा ट्राइपॉड,